आज हम देखेंगे कि 3D में वो किस प्रकार से कार्य किया जाता है और 3D को किस प्रकार से 3D क्रिएट की जाती है। आज हम कुछ नया देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से 3D क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं और यहाँ पे MM करके ओके कर देते हैं। ठीक है, नया पेज लेंगे और इसमें हम आपको 3D बताएंगे कि किस प्रकार से हम 3D बना सकते हैं, और ये वाले ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये 3D का ऑप्शन रहेगा आज, और ये देखिए टू रील स्वीप, ये ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए हम क्या लेंगे, पहले कुछ एंगल ले लेते हैं और फिर मैं आपको 3D बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसको ही सी और वी कर लेते हैं और यहाँ से इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और मैं इस प्रकार से आपको इसके बारे में बताऊंगा आज कि है ना, ये किस प्रकार से ये कार्य करता है और किस प्रकार से इसको हम यूज करेंगे। तो गाइज, अब हम क्या करेंगे कि इसको ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसका हम एक कुछ एंगल ले लेंगे। जैसे कि हमें क्रॉस सेक्शन लेंगे हम, जैसे कि एक तो ये क्रॉस सेक्शन ले लेंगे और एक ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन हम ले लेंगे। ये ना लेके हम दूसरा क्रॉस सेक्शन लेंगे एक, जैसे कि हम क्रॉस सेक्शन लेंगे। क्रॉस सेक्शन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और फिर है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, एक हम ले लेंगे जैसे कि राउंड में ले लेंगे, जैसे कि एक राउंड में ले लिया, एक ये क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया है। ठीक है, और एक मैं आपको और सीधा वेक्टर बता देता हूँ। देखिए, सीधा वेक्टर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से एक सीधा क्रॉप सेक्शन ले लेंगे, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, जैसे ही हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, 3D में जाएंगे, 3D में हमारे पास ये दोनों सिलेक्ट होने चाहिए, जैसे कि हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको 3D बता देता हूँ थोड़ी। ये देखिए, ये ऐसे रहेगा और हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ इसको रखेंगे और हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने यहाँ टूल स्वीप में जाएंगे और यहाँ हमें सिलेक्ट करना है। ये देखिए, ये सिलेक्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, ये दोनों, इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि ये दोनों तीर जो है एक साइड में ही होने चाहिए। ये दोनों जो तीर दिखाई दे रहे हैं हमें, ये एक साइड में होना चाहिए, यहाँ ए और बी हो गया। और अब हम इसको तो सिलेक्ट कर लिया हमने, अब हम यहाँ क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, रेड क्रॉस सेक्शन, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये किस प्रकार से बन रहा है। ये देखिए, ये इस प्रकार से बन रहा है कि ये यहाँ से होता हुआ धीरे 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 धीरे, जहाँ दूरी कम हुई वहाँ ये कम होता हुआ जाएगा। ये देखिए, यहाँ से फुल ऊपर है और यहाँ से दूरी कम हो गई तो ये यहाँ से नीचे हो गया, और अब ये इसके हिसाब से बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें अलग साइज चाहिए, हमें साइज चाहिए अपने हिसाब से, तो हम यहाँ से इसकी साइज डाल देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ से हम इसको साइज डाल देंगे, जैसे कि हमें 10 mm ये चाहिए। ठीक है, और ये 10 mm हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10 mm हो चुका है। और फिर हमें 5 mm ऊपर उठा के ये डिजाइन लेनी हो
तो जैसे कि हम यहाँ 5 mm और डालेंगे, तो ये देखिए ये जो जगह है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 5 mm है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 10 mm है, ये टोटल 15 mm हो चुका है, ये डिजाइन टोटल 15 mm हो चुकी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये डिजाइन बनेगी। और अब यहाँ पे आपको इसका एड का पता ही है, एड पे मतलब ये ऊपर उठ के आएगा, सब्सक्राइब पे नीचे चला जाएगा, इसका उल्टा होगा, जैसे ऊपर उठ रहा है वैसे ही इसके सीट के नीचे अंदर की तरफ जाएगा ये। ठीक है, और मर्ज हाइट क्या होता है, दो तीन वेक्टर आपस में 3D क्रॉस करेगी तो ये मर्ज हाइट होगा, और मर्ज लो जो अंदर की तरफ डिजाइन बनेगी ना, ये सब्सक्राइब ये अंदर की तरफ, तो ये मर्ज लो कर देगा और इसको ये रिप्लेसमेंट करेगा। तो इस प्रकार से हम इसको डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है गाइज, तो अब हमें क्या है, ये इस प्रकार से बन जाएगी, देखिए इस प्रकार से ये डिजाइन हमारे पास बन जाएगी, ये देखिए इस प्रकार से हम इस डिजाइन को बना लेंगे, ये देखिए। तो अब हमें क्या करना होगा, अब मैं आपको इन दो क्रैक सेक्शन को एक साथ ज्वाइन करके एक में ही दिखाऊंगा, वो कैसे दिखाते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि इसको हम क्लिक क्लोज करेंगे, अब हम दोबारा से ऐड करेंगे इसको, देखिए दोबारा से हम किस प्रकार से ऐड करेंगे इसको, वो देखिए आप। जैसे हमने ये दोनों ले लिए, यहाँ क्रॉस सेक्शन में चले गए, तो ये स्लेप तो हो गए, ये दोनों तीर एक दूसरे के पास रह गए। अब एड क्रॉस सेक्शन में जाएंगे हम, जैसे एड में जाएंगे, जैसे कि दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है गाइज, अब क्या करेंगे हम क्रॉस सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको इन दोनों एक को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ हाइट डाल देंगे, जैसे कि 15 mm हाइट डाल दी और 5 mm हमने ये डाल दी, ये 5 mm यहाँ से यहाँ, फिर 15 mm ये, तो ये हो गया 20 mm हो गया। अब हम ऐड क्रॉस सेक्शन एक और करेंगे। ठीक है, अब हम इस क्रॉस सेक्शन को और ऐड करेंगे, ये देखिए ये यहाँ से राउंड हो गया और यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन आ गया, ये देखिए ये एक क्रॉस सेक्शन हो गया, ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, जो एक नंबर था वो यहाँ आ गया और दो नंबर का क्रॉस सेक्शन था वो यहाँ आ गया, एक नंबर का यहाँ है, दो नंबर का यहाँ। तो ये 3D में काम आता है। अगर हमें ये हिस्सा इधर चाहिए और ये हिस्सा इधर चाहिए तो हम उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें जिस प्रकार का हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे उस प्रकार की हमारे पास डिजाइन बनके तैयार होके आएगी, ये साफ साफ है। ठीक है, जिस प्रकार से हम ये क्रॉस सेक्शन बनाएंगे डिजाइन में, उसी प्रकार की हमारे पास डिजाइन निकल के आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए ये क्रॉस सेक्शन चेंज कर देते हैं, ये एक ही चेंज कर दिया मैंने और ये दूसरा चेंज कर दिया, तो ये दोनों चेंज करेंगे हम इसको। दोबारा से मैं करता हूँ आपको, ये देखिए ये दोबारा इनको सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, ठीक है गाइस, अब हम इसकी चेंज करेंगे इन दोनों को, देखिए ये हो नहीं रहा है, ये देखिए ये हिस्सा यहाँ से ये राउंड वाला हिस्सा इधर आ गया और ये ऊपर वाला हिस्सा इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए एक नंबर का क्रॉस सेक्शन हमारा ये हो गया, दो नंबर का क्रॉस सेक्शन हमारा ये हो गया, तो इस प्रकार से हम ये हिस्सा इधर कर सकते हैं, ये हिस्सा इधर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, हम इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, ये देखिए ये एक हिस्सा इधर आ गया, ये ऊपर उठता हुआ और ये राउंड इधर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये डिजाइन आसानी से बना सकते हैं गाइज, ये डिजाइन हम आसानी से इस डिजाइन को यूज में ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस पे एक ये कैसे बनाएंगे हम, ये देखिए 3D में चलते हैं। अब इसको ये दोनों एक साइड है, ये तीर देखिए, अब हम इसको आकार देंगे इनके के लिए। अब ये तो हो गया, अब हमें एड क्रॉस सेक्शन करना है, तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे और एड क्रॉस सेक्शन में कर लेंगे, तो ये देखिए ये इस प्रकार से एड हो गया और अप्लाई कर देंगे, जितना हमें चाहिए उस प्रकार से हम इसको अप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास तैयार होके आ गया है, ये देखिए ये डिजाइन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है गाइज,
इस प्रकार से ये देखिए ये डिजाइन हमारे पास आ गई है। इस प्रकार से हम कोई भी डिजाइन आसानी से बना सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मतलब इसके बारे में और भी बताऊंगा मैं आपको डिटेल में धीरे धीरे। तो ये हम इनको आसानी से यूज में ले सकते हैं।